प्यारे बच्चे, चलिए आज हम लोग फिर से नाइन्थ क्लास सीबीएसई का साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में मोशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। और मोशन अगर बोले तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। प्यारे बच्चे, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे शॉर्ट रास्ता होता है, वही कहलाता है मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए आइए जानते हैं उसके आगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या इंटरवल होता है। तो हम लोग दोनों के बीच में इंटरवल के बारे में देखते हैं। तो टॉपिक लिया जाए उसके नीचे इंटरवल इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या होगा इंटरवल, यहां पे आर नहीं, इंटरवल क्या होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच। यानी कि इसमें तीन तरह का इंटरवल होते हैं। पहला होता है इंटरवल डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है डिस्टेंस छोटा होगा और डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, और तीसरा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पहले अगर इंटरवल अगर का बात करें तो इंटरवल का मतलब होता है बड़ा और छोटा। प्यारे बच्चों, जिधर मुंह खुला रहता है उसको बड़ा माना जाता है, और जिधर मुंह बंद रहता है उसको छोटा माना जाता है। और इसको इक्वल का तो मतलब समझ ही रहे हैं आप कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल। प्यारे बच्चे, इसमें से जो तीन इंटरवल हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एक बार डिस्टेंस बड़ा हो जा रहा है डिस्प्लेसमेंट छोटा हो रहा है, एक बार डिस्टेंस छोटा है डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल। प्यारे बच्चों, ये तीन इंटरवल में फर्स्ट एंड थर्ड का वैल्यू होता है और इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब कि किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता है। आप याद रख लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है, या तो आप बोलिए कि ये होता ही नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं, गलती का निशान कट कर लिए हैं, और इसको सही का निशान कट कर लिए। इसका मतलब होता है किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। दूसरा कि डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। प्यारे बच्चे, आप समझिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डेफिनेशन सीखे हुए हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा से छोटा होगा प्यारे बच्चों, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, छोटा दूरी, छोटा रास्ता ना, तो छोटा ही ना होगा हमेशा, कभी बड़ा तो होगा नहीं। तो ये पहला वाला इसलिए सही है कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा छोटा हो सकता है और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। अब किसी भी केस में कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसलिए डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा। गलत काट लेना है, आप भी ऐसा ही कीजिएगा, इस टॉपिक्स के नीचे ये बात जरूर लिखेगा। अच्छा, एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सर डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल होता है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लिया सीधा दूरी है, रास्ता भी डिस्टेंस भी, सब केस को समझते हैं। फाइनली हम लोग को ये पता चला, फाइनली ये पता चला कि डिस्टेंस
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन हो सकता है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस जो है या तो बड़ा हो सकता है या तो इसके बराबर हो सकता है। तो प्यारे बच्चों दोनों साइन को मिलाकर हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पे, यानी कि फाइनली ये बोल सकते हैं कि इंटरवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच कैसा इंटरवल होगा, दोनों में कैसा रिलेशन होगा। तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। तो दोनों चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं और ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं केस वन और केस थ्री का मामला जो है अलग अलग समझते हैं। तो हम लोग पहला केस को समझते हैं कि पहला केस क्या बोल रहा है। केस नंबर वन, केस वन, अगर प्यारे बच्चों ऐसा कुछ है जैसे आप समझ पा रहे होंगे यहां पर फिगर देखकर कि एक फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन है, जैसे मान लिया एक ए से चलना स्टार्ट करना है और बी के पास पहुंचना है, ए से चलना स्टार्ट करना है और बी के पास पहुंचना है। अब यहां का पॉइंट ए है और यहां का पॉइंट बी है। प्यारे बच्चों अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां का जो रास्ता है वो ऐसे ऐसे रास्ता है। रास्ता कैसे कैसे बनाया हुआ प्यारे बच्चों? ऐसे ऐसे ऐसे। तो कोई भी अगर व्यक्ति जाना चाहेगा ए से बी तक के, तो रास्ते से जाएगा तब तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों डिस्टेंस। यानी कि जैसे ही अगर ये वाला प्रोसेस से चलना स्टार्ट किया और फिर भी तो बी तक पहुंचा, तो इसको हम बोलेंगे प्यारे बच्चों डिस्टेंस, ठीक है। और ए और बी के बीच में एक शॉर्ट रास्ता होना चाहिए। अब शॉर्ट रास्ता क्या है? तो ये बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है और ए से बी तक ये बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है, और इसी शॉर्ट रास्ते को हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हम लोग इस तरीके से अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है ये प्यारे बच्चों? ये डिस्प्लेसमेंट होता। यहां से अगर हम लोग चलते तो ये डिस्प्लेसमेंट होता। तो इस तरीके से फर्स्ट केस से हमको समझ में आ गया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। डिस्टेंस जो है वो किससे बड़ा होता है? डिस्प्लेसमेंट से। अक्सर सवाल पूछता है कि दोनों में क्या रिलेशन है। अच्छा चलिए जरा केस टू को समझते हैं। केस टू बहुत सिंपल है, जरा उसको समझते हैं। केस टू तो कभी होगा ही नहीं। अगर मान लिया केस सॉरी जो दूसरा पॉइंट को हम लोग गलत किए हुए हैं कि डिस्टेंस जो है छोटा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाएगा, कभी नहीं होगा प्यारे बच्चों कभी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। उसका डेफिनेशन नहीं है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे का यही टॉपिक है केस नंबर टू कि क्या सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहां फिर से फिगर हम बनाने वाले हैं। यहां एक इनिशियल पोजिशन है जिसका नाम ए है, एक फाइनल पोजिशन है जिसका नाम बी है। पहले बच्चों एक ऑब्जेक्ट को, एक व्यक्ति को, एक बस को, एक ट्रक को ए से चलकर बी तक जाना है। ए से चलते हुए कहां तक जाना है प्यारे बच्चों? बी तक जाना है। अब इसके लिए क्या है कि रास्ता भी ऐसा ही हो सकता है। देखिए केस हम लोग समझ रहे हैं, ये रास्ता है ठीक है। तो जब ये रास्ता है प्यारे बच्चों, तो जब ए से बी तक अगर हम लोग पहुंच रहे हैं तो यहां पे अगर कोई बाइक वाला कोई जाएगा तो रास्ता चूंकि यही है तो यहां पे डिस्टेंस तो वही होगा जो रास्ता होता है बी तक पहुंचने के लिए। और प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी तो बोलता है कि अब इससे शॉर्ट रास्ता क्या होगा। अब ए से और बी तक पहुंचना है तो ये रास्ता भी यही बना हुआ है। और आप खुद सोचिए तो ए से बी तक पहुंचने के लिए
सबसे शॉर्ट रास्ता क्या होगा? ऐसे ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि वो चीज बड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी नहीं होगा तो वो चीज तो बड़ा हो जाएगा। तो मेरा मतलब प्यारे बच्चों कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वही कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में प्यारे बच्चों डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड कैन इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो इस बात को नीचे एरो देकर लिख लीजिए, उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड कैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसमें यह लिखा गया होगा, उसके नीचे लिख लीजिएगा कि डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का और इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का। तो ये चीज उसके नीचे लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर से जरूर सवाल मिलता है हम लोगों को करने के लिए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको अभी हम लोग समझे। चलिए अब आइए आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस को, तो एनसीईआरटी में ये फंक्शन दिया हुआ रहता है कि अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक के बीच में भी कुछ क्वेश्चंस रहता है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चंस को भी नहीं छोड़ना है जो बुक के बीच में रहता है, उसको एक तरह का क्वेश्चंस है। और सबसे बुक के एक जब खत्म हो जाएगा ये चैप्टर तो लास्ट में हम लोग को मिलेगा वो एक्सरसाइज के वजह से जो क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं बुक में से जो क्वेश्चन निकलता है, यानी कि बुक का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बुक का क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर वन क्या है और उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वो क्या बोल रहा है, उसका जवाब क्या देंगे। प्यारे बच्चों देखिए पहला बुक का क्वेश्चन ये बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस के थ्रू मूव कर रहा है मतलब कि मुड़ रहा है, चल रहा है अपने पाथ पे, तो बोल रहे हैं उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। प्यारे बच्चों तो ये चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है मोशन इनिशियल पॉइंट से और फिर अगर मोशन करते करते फिर से इनिशियल पॉइंट पे ही पहुंच जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया प्यारे बच्चों, जीरो। जैसे आप स्कूल से घर आते हो और फिर से घर से स्कूल जाते हो, ये क्रिया हमेशा होते रहती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वहां पे, जीरो हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, अगर आप आंसर जो है यस में करते हैं तो आपको एक एग्जांपल लिखना होगा। तो चलिए पहले इसका कुछ आंसर लिख लेंगे क्या होगा। तो एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो आंसर लिखेंगे यस। और उसके बाद का हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम और आप लिखिए यस के बाद लिखिएगा जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो ये वाला जीडीआर जीरो डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल इफ एन ऑब्जेक्ट पॉसिबल इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मूव कर रहा है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब चूंकि एग्जांपल देने के लिए बोल रहा है तो उसके नीचे लिखेगा एग्जांपल,
एग्जाम्पल लिखकर एरो देंगे ऐसे। आंसर वही लिखिएगा, सपोज अ बॉल, सपोज एस यू डबल पी ओ एस ई, सपोज अ बॉल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट एट ए चलिए अब जरा समझते हैं। बोला गया कि इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके नीचे आप फिगर बना के दिखा दीजिएगा। बोला ये जा रहा है कि एक बॉल है, और एक बॉल है ए से चलना शुरू किया, और मान लिया जाए कि ये स्क्वायर वाला शेप है, 10 मीटर 10 मीटर और सभी क्या है 10 मीटर है, ठीक है, और इसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां पे एक बॉल यहां से ए से मूव करना शुरू हुआ, तो ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से डी गया, और डी से कहां तक आ गया, फिर से इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया। तो प्यारे बच्चों इस केस में अगर आप बोलिएगा कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस तो चारों तरफ ना हुआ, यानी कि डिस्टेंस का मतलब जितना बार वो गया वो टोटल ऐड करेंगे, तो 10 10 10 10 टोटल कितना हो गया 40 मीटर। लेकिन प्यारे बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो चूंकि जहां से चला हुआ था वहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर 0 हो जाएगा। तो उसके नीचे आप इस एग्जाम्पल को भी, एग्जाम्पल बोल रहा था क्वेश्चन में, तो फिगर बनाकर उसमें दिखा दीजिए कि डिस्टेंस हो जाएगा 40 जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सवाल बोल रहा था कि आप ये हमको बताइए कि 0 कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना था। चलिए आइए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्यारे बच्चे अगले तरफ की क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइज 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। अब सवाल ये बोल रहा है कि एक फार्मर है, एक किसान है, और एक स्क्वायर बाउंड्री के चारों ओर घूमना शुरू कर रहा है जिसका साइड कितना है 10 मीटर। प्यारे बच्चों एक बार वो चक्कर करने में 40 सेकेंड का टाइम लगता है, यानी कि ऐसा करके कुछ स्क्वायर वाला एक बाउंड्री है, देख रहे हैं एक स्क्वायर का बाउंड्री है, फिगर से समझिए, सबका साइड कितना है प्यारे बच्चों 10 मीटर, ए भी 10 मीटर और ए भी 10 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि कोई अगर पार्टिकल्स या फार्मर जब स्टार्ट करता है तो एक बार जो चक्कर काटता है, तो एक बार चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है उसको 40 सेकेंड, ठीक है, यानी कि एक बार यहां से चला और फिर चारों तरफ घूमने के बाद ए तक के आने में, ए से अगर मान लिया जाए कि इनिशियल पोजिशन है, तो उसको 40 सेकेंड का टाइम लगता है। और ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अगर वो 2 मिनट 20 सेकेंड तक, 2 मिनट 20 सेकेंड तक वो क्या क्या है घुमा है। तो सबसे पहले टाइम जो दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको आप टोटली सेकेंड में चेंज कीजिए, तो चूंकि हम जानते हैं 1 मिनट में प्यारे बच्चों 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड, और आगे दिया है 20 सेकेंड, तो टोटल मिलाकर 140 सेकेंड तक वो क्या क्या चक्कर काटा होगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि एक बार चक्कर काटने में उसको 40 सेकेंड का टाइम लगा होगा, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना चक्कर लगाया होगा, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, चक्करों की संख्या, तो टोटल कितना टाइम लगा प्यारे बच्चों 140, और एक बार चक्कर काटने में कितना समय लग रहा है 40, तो 0 से 0 कट हो रहा है, 3.5 बार चक्कर काटा होगा,
इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। अब 3.5 बार चक्कर का मतलब क्या प्यारे बच्चों, एक बार अगर ए से चला और एक बार ए तक पहुंच गया तो उसको एक चक्कर बोलेंगे, और जब एक चक्कर होगा प्यारे बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। समझ रहे हैं बात। और फिर दूसरा बार चक्कर काटेगा तो दूसरा बार भी ए तक पहुंचेगा, उस टाइम भी प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि जो जहां से स्टार्ट होता है और फिर वहीं पहुंच जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो ये दूसरा चक्कर हुआ। तीसरा चक्कर में भी प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, यानी कि 3 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो अभी और आधा, क्योंकि 3.5 का मतलब हुआ 3.5 चक्कर, तो 3 तो पूरा पूरा हो गया, हमको आधे चक्कर का और निकालना है। तो यहां से आधे चक्कर कौन हुआ, बिल्कुल सामने, यानी कि ये हुआ आधे चक्कर। अब हमको ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ए से और बी तक के बीच में शॉर्ट रास्ता तो यही होगा। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग यहां ए बी बोल रहे हैं, तो हम लोग को पता है ना ये क्या है, ये है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का फार्मूला होता है कि रूट अंडर कीजिए और इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर भी 100 और इसका भी 100, तो टोटल कितना प्यारे बच्चों, 200। तो यहां हो जाएगा, इसको और मिटाते हैं, आप सॉल्यूशन अच्छे से कर लीजिएगा, आप फिगर भी बना लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मिटाते हैं, आप इसको लिख के ही मिटाइएगा। तो यहां पे हो जाएगा 200, और 200 को हम लिख सकते हैं, 2 को अगर बाहर करेंगे तो यहां हो जाएगा 100, क्योंकि 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 होगा, और 200 का स्क्वायर रूट होता है 10, यानी कि सॉरी इसको √2 आगे बाहर निकालेंगे तो √2 2 है, 2 × 100 का मतलब हुआ 200, और √2 आगे है और इसका वैल्यू 10, इसलिए 10√2 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना था, फिगर जरूर बनाइए इसमें। अब चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये बुक का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके नीचे ए नंबर और बी नंबर करके 2 क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, यानी कि ये दोनों में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और नॉट ट्रू है। अगर आपको ट्रू रहेगा तो उसके आगे लिख देना उसका आंसर ट्रू, और जिसका आंसर नॉट ट्रू रहेगा तो उसका आंसर लिख देना, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहा है कि आप आंसर दीजिए, कारण बताइए। तो चलिए समझते हैं, इट कैनोट बी 0, बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सही बात की गलत बात प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, कौन सा केस में, जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलता है इनिशियल पॉइंट से चलता है और फिर वही इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसका तो 0 हो सकता है ना, और यहां बोल रहा है कि कभी हो ही नहीं सकता है, कैनोट बी 0। तो पहला का आंसर कर दीजिएगा सॉल्यूशन में नॉट ट्रू, बिकॉज, इसका आंसर भी लिख लीजिए पूरा, नॉट ट्रू बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज 0, देन डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो आगे उसके लिख लीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल और फाइनल पोजिशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बोल रहे हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। इसमें बोल रहा है कि क्या
ग्रेटर हो सकता है देन द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से बड़ा होता है। ऐसा होता है क्या? अभी हम लोग सीखे ना कि डिस्टेंस से बड़ा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता है। यहां बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए और डिस्टेंस छोटा हो जाए, तो अभी कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसका भी आंसर लिखना है, दूसरा का भी आंसर लिखना है, नॉट ट्रू। इसमें लिख लेंगे आप नॉट ट्रू कॉमा बिकॉज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज एनसीईआरटी के बुक से उसके अंदर की क्वेश्चंस जो रहता है उसको किए, अब उसके आगे जो टॉपिक्स होगा उसको हम लोग सीखेंगे, फिर हम लोग ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास अगले वीडियो में। धन्यवाद।